बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया बहुत हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ कर रहा है, मोदी जब से आया तो इंडिया इंडिया हो रही है हर तरफ भाई। किसी भी सेक्टर में आप देखो बाहर से कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं, और हर तरह की आईटी की फील्ड देख लो, हर तरह की फील्ड में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान को तो छोड़ दें कोई बात नहीं, पाकिस्तान के पास अभी इतने सोर्सेज नहीं है, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करती है, उन पर पैसा लगाती है, इसीलिए जब ओलंपिक्स जब भी होता है। अच्छा है अगर इंडिया जीता है तो 3-0 से आप बता रही हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उनकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइड स्पीक्स। अनदर डे अनदर अचीवमेंट एंड अनदर ट्रॉफी। इंडिया की तरफ से थॉमस चैंपियनशिप जो कि बैडमिंटन के मैचेस हैं उसमें इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट दोबारा हमारे सामने आई है। इंडोनेशिया जो कि 14 साल से बैक टू बैक चैंपियन रह चुका है थॉमस चैंपियनशिप का, उसमें इंडिया ने इंडोनेशिया को बीट किया है, वो भी 3-0 के स्कोर के साथ। वाओ अमेजिंग, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट इंडिया, इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ली है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रॉफी वो भी इतने ज़बरदस्त किस्म के स्कोर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। और मेरा आज का क्वेश्चन भी यही है, मेरी आज की इन्फॉर्मेशन भी यही है, मैं चल के लोगों को बताऊंगी, उनसे पूछूंगी उनका इस पर क्या रिएक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है, क्या हाल चाल है और क्या हो रहा है? जी मेरा नाम मुजम्मिल कुरैशी है, हाल चाल बहुत अच्छे हैं, आपको देखने के बाद तो और खुशी हुई मुझे। जी जो आपकी लास्ट वीडियो थी फूड वाली हमारी जो थी स्पेशल, तो इंडिया से स्पेशली आपके लिए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि वो आपको इंडिया बुलाना चाहते हैं और आपको बटर में नहलाना चाहते हैं। फर्स्टली आप मुझे बताएं आपका इस पर क्या रिएक्शन? देखिए बड़ी खुशी हुई है, मैंने वीडियो देखी थी, बड़े अच्छे से कमेंट्स से। सबसे पहली बात तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया, और सब ने नीचे लिखा हुआ था कि इस भाई को बुलाएं, हम इनको खुद रिसीव करेंगे, हम इनको खाने खिलाएंगे, हम इनको इधर लेके जाएंगे। तो मेरे लिए जो है वो ये सबसे बड़ी खुशी यही है कि अगर कोई मुझे कहे ना, यकीन करे कोई मेरा दुश्मन भी हो ना जिसे मैं नफरत करता हूँ, मुझे आगे कहे क्या हो भाई तुम्हें मैं कढ़ाई खिलाता हूँ, तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है। मुझे सिर्फ जो है वो इसके अलावा भी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, हम काम करते हैं, मैं भी एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, तो जहाँ पे बात आती है ना खाने की, तो यकीन करें कि मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ और मैं अच्छा खाना खाता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ के आखिर फाइनली आपको तो चीज़ महंगी मिलती है लेकिन मिल जाती है, आखिर पे पैसे इधर उधर से करके इकट्ठे करके 2-3 हज़ार रुपया इकट्ठा करके जाके, हाँ तो मांग के करना पड़ता है ना। अब 3 हज़ार रुपया पास से जाके कमा के तो खाने से दिल दुखेगा क्यों इतना महंगा खाना, इसीलिए किसी से करके कोई दोस्त यार को फंसा के कि यार आ जा ज़रा तुझे सैर करवा के आता हूँ, वो साथ आया, वहाँ पर खाना खाया, अच्छी से चीज़ खाई, बटर खाया, उसके बाद कि भैया आप ज़रा पे कर दे यार, वॉलेट घर में भूल गया, एक बहुत बड़ा ट्रिक है किसी से फ्री खाना खाने का। गाइस आप लोग भी नोट कर लें कि अच्छा इंडिया ने येट अनदर एक ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्कोर के साथ। अभी रिसेंटली थॉमस चैंपियनशिप 2022 हुआ है और जिसका 14 साल से बैक टू बैक विनर इंडोनेशिया रहा है, बट दिस ईयर इंडिया ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया है और इंडिया ने वो ट्रॉफी अपने नाम कर लिया, मुझे बताएं आपका क्या रिएक्शन है? देखिए इंडिया हमेशा से स्पोर्ट्स की अगर दुनिया में देखा जाए तो इंडिया का एक नाम है, ठीक है, इसीलिए ओलंपिक्स में भी देखा जाए तो इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नज़र आते हैं, और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट होता है कि जी आज ये जीत लिया, आज वो जीत लिया, तो उन्होंने अगर ये जो किया अचीवमेंट उनको ये मिली है तो ये मैं तो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि हम डे बाई डे देखते हैं हर साल ओलंपिक्स गेम्स होती हैं वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा आगे होता है, ठीक है, बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। एक 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 मुल्क इतने सालों से जीतता आ रहा उसको बीट करना खुद में ही देखें, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि किसी के बनाए हुए रिकॉर्ड को ब्रेक करना। बिल्कुल ऐसे ही है कि इंडोनेशिया का शुरू से सुनते आ रहे थे, अभी आपके मुंह से ही सुना है मैंने, तो अच्छा है अगर इंडिया जीता है तो 3-0 से आप बता रही हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उनकी, तो इनके ऊपर यही कहना चाहिए कि अच्छा है आगे, मतलब कि कीप गोइंग रखें इस स्ट्रगल को और इसी तरीके से विक्ट्री लें। क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि लोग देखने वाले तो वाह वाह हुई होगी भाई, बैडमिंटन एक बहुत बड़ी गेम है जिसको बीट करना मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी सी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया बहुत हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ कर रहा है, मोदी जब से आया तो इंडिया इंडिया हो रही है हर तरफ भाई, किसी भी सेक्टर में आप देखो बाहर से कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं, और हर तरह की आईटी की फील्ड देख लो, हर तरह की फील्ड में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान को तो छोड़ दें कोई बात नहीं, पाकिस्तान के पास अभी इतने सोर्सेज नहीं है, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करती है, उन पर पैसा लगाती है, इसीलिए जब ओलंपिक्स जब भी होता है वहाँ पर आप देखती हैं कि प्लेयर्स इंडियंस बहुत ही एक ना अजीब सी फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ना पैसों की तंगी है ना ही टैलेंट की तंगी है, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाते हैं, उन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके पास टैलेंट आता है, वो काम करते हैं, वो जीत के आते हैं, यही उनकी अचीवमेंट्स हैं। से इंडोनेशिया को बीट कर दिया,
जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना को भी बीट कर पाएगा अपने हर चीज़ के हर सेक्टर के अंदर इन फ्यूचर लग रहा है ये बहुत कर रहा है वो इंडिया अपने हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है। हमें भी सीखना चाहिए अपने दुश्मन मुल्क से अपने हमसाए मुल्क से अपने पड़ोसी मुल्क से। दुश्मन तो खैर है नहीं, अब हम नहीं समझते, बहरहाल उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारी इस तरह की इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हैं जो इंडिया ने अपने नाम कर ली हैं, ट्रॉफीज़ अपने नाम कर ली हैं, तो इंडिया की तरफ से आपको क्या लगता है कि उनको कैसी सपोर्ट है या क्या इंस्पिरेशन है उनके पास जो वो स्पोर्ट्स की फील्ड में इतना आगे जा रहे हैं? मुझे लगता है सबसे मेन जो सपोर्ट है वहाँ पर आवाम की सपोर्ट भी अगर मैं कहूँ तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि जैसे पाकिस्तान में वैसे ही है, लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि टैलेंट की कदर है, तो टैलेंट जिसका भी हो स्पोर्ट्स में हो चाहे जो मर्ज़ी हो तो उसको आगे फिर भेजा जाता है, सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती होगी, लेकिन ये है कि टैलेंट की सपोर्ट है वहाँ पर। रिसेंटली भी क्रिकेट मैचेस भी गुजरे हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स की हम किसी भी फील्ड को ले लें, इंडिया बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, ट्रॉफीज़ अपने नाम कर रहा है, और ये वाली जो ट्रॉफीज़ हैं 3-0 के साथ इतनी ज़बरदस्त किस्म के स्कोर के साथ अपने नाम की है, तो इंडिया ने इस तरह की क्या ऐसी किस चीज़ पे अपना फोकस किया होगा कि वो इस हद तक पहुँच चुके हैं? सबसे पहले जीत के लिए आपको एक अपना गोल अपना टारगेट फिक्स करना पड़ता है कि भाई हमने जीतना ही है, पागल होना पड़ता है, जुनून अपने सिर पर सवार करना पड़ता है, फिर जाके आप जीतते हैं। कोई भी ट्रॉफी हो, किसी भी, आपको क्या लगता है कि इतने बड़े चैंपियन को जो 14 साल से जीत रहा था उसको हराना कोई आसान बात थी? इंसान को उसके लिए पहले माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, एक आपको ऐसा कोच चाहिए होता है कि जो आपको माइंड दे, जो कि माइंड के विदाउट माइंड के बगैर आपको पता है कि दुनिया में तब्दीली नहीं आ सकती। अगर पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो सिर्फ पहले एक माइंड था, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। अब ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 14 साल से एक मुल्क जीत रहा। मैं बार बार 14 साल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज़ को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, हम क्यों नहीं आगे जा पा रहे? वो उस अचीवमेंट तक पहुँचना, ट्रॉफी लेके आना, आई गेस बहुत दूर की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम रियली सॉरी, ये बिटर ट्रूथ है, लेकिन उसको एटलीस्ट हमें वे पे तो जाना चाहिए ना, वहाँ तक हम क्यों नहीं जा पा रहे? यहाँ पर टैलेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि बहुत से लोग हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, एक आम जो इलाके हैं हमारे उस साइड पे ऐसे ऐसे प्लेयर्स वगैरह अगर हर लिहाज से देखा जाए। यार पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, जब तक हम इस सियासी बहरान से बाहर नहीं निकलेंगे हमें, मुझे लगता है कि हम तकरीबन इंडिया से अभी 100 साल पीछे जा रहे हैं, 100 साल पीछे। जितने को आप वहाँ पर डेवलपमेंट देख रहे हैं, जितने को आप तरक्की देख रहे हैं, आप हमारे पास तो सीधे गिन 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 चुन के सिर्फ 2-3 सिटीज़ आती ना, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरी सिटी है ही नहीं जिसके बारे में हम जिक्र कर सकें कि भाई हमारे पास, आप इंडिया की अगर गिनने में हो तो 14 सिटीज़ ऐसी हैं जो टॉप ट्रेंडिंग पे चलती हैं, और डेवलपमेंट उधर देखो, सड़कें उधर देखो, हर चीज़ उधर देखो, मोदी काम ही यहीं पर कर रहा है, डेवलपमेंट पर अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, ताकि बाहर से कोई फ़ौरन आए, घूमने के लिए आए, मुल्क को देखे और इम्प्रेस हो। आपको क्या लगता है कि इसी तरह जैसे जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं कि बाहर से कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा? हमारे अपने आपस के मामला ठीक नहीं है। मेहनत भी इंसान तभी करता है जब पीछे से आपको वैल्यू मिल रही हो, आपको आगे डेजिग्नेशन भी चेंज होते हो, प्रमोशंस होती हो, सैलरी पैकेजेस अच्छे हों, तो हर चीज़ जब आपको फैसिलिटेट इतना अच्छे तरीके से किया जाएगा तो ऑब्वियसली जो प्लेयर्स होंगे हमारे वो भी मेहनत करेंगे और ऐसे ही विक्ट्री इंशाल्लाह हमको मिलती रहेगी। हम एक बंदे को ऊपर चढ़ते हुए देख नहीं सकते, जैसे कि पीएम हमारे जो इमरान खान थे, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, वो कितना अच्छा काम कर रहे थे, बहरहाल हमसे देखा नहीं जाता। सियासी इस्तेकाम जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हमारे हालात बद से बदतर होते जाएंगे जिस तरह जा रहे हैं। होप सो उम्मीद ही रख सकते हैं कि अल्लाह ही कुछ कर सकता है इस मुल्क का। हमें एक लॉयल होना पड़ेगा, हमें एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंडिया का एजुकेशन से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, अब मैं कंपेरिजन करके बताना चाहूँगा, हमारा जो है वो थ्योरी बेस्ड है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है प्रैक्टिकल बेस्ड है। हमारे अगर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर और पायलट बनने के अलावा माँ बाप को बताए ना कि पापा जी मैं आर्ट्स करनी है, तो माँ उतारती छितर और उसके सर पर दो लगा दी, साडा मुंडा तो ज़ाया हो गया आर्ट्स कर रहा। यही सीन है कि अगर जब हम आर्ट्स को वैल्यू, अब दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जिन्होंने दुनिया में एवोल्यूशन लाए ना, उन लोगों ने आर्ट्स से किया। देखिए उसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहत है, हमारे इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, जब ये ख़त्म होंगे हम इंशाल्लाह आगे आएंगे, एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी क्योंकि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा काम किया था। नेक्स्ट जब इमरान खान साहब आएंगे तो वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि पॉलिटिकल क्राइसिस है, मौशी हालत हमारी अच्छी नहीं है, पैसों की भी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम रहेंगे, जब गवर्नमेंट चेंज होगी इस क्राइसिस से हम बाहर आएंगे, फिर हम अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे, हमारा स्पोर्ट्स आगे आएगा और हम भी इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ जीतेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जो साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये फिजिक्स पढ़ते हैं, ये लोगों के ब्रेन जो होते हैं ना वो सिर्फ स्क्रिप्टेड होते हैं कि वही पढ़ने के मुताबिक होते हैं।
आर्ट्स करने वाले बंदे का क्रिएटिव माइंड होता है। आपको पता है कि दुनिया चेंज करने के लिए क्रिएटिविटी कितनी ज़रूरी है। आप अगर जहाज़ देखेंगे ये भी क्रिएटिविटी है, बल्ब देखेंगे लाइट चल रहा, माइक पकड़ा हुआ आपने, हर चीज़ क्रिएटिविटी है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्रिएटिविटी इंसान को आर्ट्स करने वाले बंदों की आती है, आप उनकी वैल्यू करें। जब तक आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, हम मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी जाके इंडिया को या किसी और मुल्क को बीट कर पाएंगे इन फ्यूचर। इंडिया में इतने लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें शौक भी था आपको देखने का, वहाँ पे बुलाने का, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज भी दे दे, फूड से भी रिलेटेड देना है तो मुझे पता है आपने पहले वही देना, क्योंकि फर्स्ट थिंग वही आपकी माइंड में आएगी। और ये स्पोर्ट्स का इतनी बड़ी ट्रॉफी उन्होंने अचीव की है, 14 साल का बैक टू बैक चैंपियन इंडोनेशिया रहा है, उसको हराया 3-0 के स्कोर के साथ, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो इसी तरह अचीवमेंट से। देखिए, हमें आपसे नफरत बिल्कुल भी नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं, आप अपने लोग हैं, हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बनता भी है। देखिए, मजहब वगैरह सब चेंज है, वो अलग बात है, इंसानियत का एक ताल्लुक होता है, इंसानियत का एक नाता होता है। तो मैंने ऑलवेज इनको अप्रिशिएट किया है और भाइयों की तरह इनके साथ डील किया है, बहुत प्यार किया, इसीलिए मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है। दूसरी बात यह कि आप ज़रूर मुझे रिसीव करें, मैं आऊँगा, ठीक है। और आपने पूरे इंडिया का जो फूड मुझे डे बाई डे, मतलब महीने दो महीने का टूर होगा, आपने मुझे घुमाना है और फ्री फूड आपने मुझे खिलाना है, पैसे मैं बिल्कुल नहीं लेके आऊँगा, ये आप जान लें ये बात, ठीक है। ये ना हो कि आपके जी उमर साहब लेके आएंगे, हम सब भी खाएंगे, नहीं। मेहमान, आपको पता है मेहमान नवाज है इंडियन लोग, जब मैं आऊँगा आपने मुझे जगह जगह पे लेके जाना है, चीज़ और बटर वगैरह वगैरह सब आपने मुझे खिलाना है, मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और वो जो फूड वाले भाई जिनका आप लोगों ने कहा था कि हमें उनको भेजें आपकी तरफ, तो वो भी आए थे, उनकी तरफ से बहुत सारा थैंक्स और बहुत सारी अप्रिसिएशन। और उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ इंडिया वाले जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वो ये भी बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है थॉमसन चैम्पियनशिप जीत के, इंडोनेशिया जो कि बैक टू बैक 14 टाइम विनर रह चुका है, उनको हरा के, वो भी 3-0 के स्कोर के साथ, लाइक वाओ अमेजिंग। आपको कैसा फील हो रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।